नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी। और बस भाभी जी बढ़िया है। भैया नहीं है क्या? नहीं भैया नहीं है, बाहर गए हुए। क्या हुआ देवर जी, तकिया क्यों फूट रहे हैं? अरे भाभी जी क्या बताऊं, जब भी मैं कोई सुंदर औरत देखता हूं ये साला मेरा सामान पहले खड़ा हो जाता है, जिसे इसी को बातचीत करनी हो। क्या बदतमीजी है देवर जी? भाभी जी मैं तो समझदार हूँ, ये बदतमीज है, पहले अंगानी खड़ा हो जाता है देख के। बोले बोले का कुछ नहीं, आप परेशान न होइए, मैं इसलिए रख लिया था। आप ऐसा करिए सुबह आइएगा देवर जी, जाइए आप यहाँ से। अरे थोड़ा सा दो चार मिनट बात करनी थी। भैया आ जाएंगे फिर आइएगा आप। चलिए ठीक है, ये तकिए लेता जाऊंगा थोड़ा दूर तक, थोड़ा शांत हो जाएगा तो दे जाऊंगा। रामू तेरी मालकिन कहाँ है? मैम सब मालकिन को अंदर सो रही है। अच्छा रामू तेरी तारीफ बहुत सुनी है, तू बड़ा मन लगा के काम करता है। जी चल मेरे घर पे काम करना, यहाँ से ज्यादा दूंगी। नहीं मालकिन आप नहीं दे पाओगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी, क्या देती है तेरी मालकिन? मेरी मालकिन मुझे रात में दो बार देती है इसी बेड में। आपको भी अगर देना हो तो चले। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ, कभी मन हो काम करवाने का तो बताना। जिसका मुझ अरे रामू तुमने बताया नहीं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जी मालकिन मेरे तीन बच्चे हैं। अच्छा। एक बेटी है दो बेटा है। बहुत अच्छे। शादी के बाद हम हनीमून के लिए मुंबई गए थे तो वहाँ मेरी बीवी को रानी बाग पसंद आ गया था, तो उस रानी बाग की याद में अपनी बड़ी बेटी का नाम रानी रख दिए। दूसरे हनीमून के लिए हम लोग आगरा गए थे, वहाँ ताजमहल की याद में हमने अपने दूसरे बेटे का नाम ताज रख दिया। अरे वाह रामू, बहुत खूब सोच समझ के बच्चों का नाम रखा है तुमने रामू। जी मालकिन, और तीसरे वाले बेटे का नाम है कोहिनूर। अरे वाह रामू, तुम तो लंदन घूम के आ गए कोहिनूर का हीरा देख के। अरे नहीं मालकिन, कोहिनूर तो कंडोम था, उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे तो वो साला फट गया, इसलिए हमने कोहिनूर कंडोम के नाम से उसका नाम कोहिनूर रख दिया। अच्छा हुआ कि तुम भोसड़ी नहीं गए, ये सोचो क्या नाम रख देते बच्चे का। रामू। जी मालकिन। तुझे गिनती आने लगी है? हाँ मालकिन आने लगी है। तेरे हाथ में कितनी उंगली है? जी मालकिन छह। मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि चड्डी से हाथ निकाल कर गिना कर, अब बता कितनी उंगली है? पांच। क्यों बोलो छह? ये फोन किसका आ गया दादा? हेलो हाँ दादा जी, ठीक दादा ठीक है, वह चाली पहाली के पीछे। जी दादा जी मैं पहुंच जाऊंगा। दादा आपसे एक रिक्वेस्ट थी दादा, इस बार थोड़ा तेल लेते आइएगा, पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी। ठीक दादा ठीक, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक। क्यों रे रामू, तूने आईफोन खरीदा है क्या? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? नहीं तूने अपनी किडनी तो नहीं बेच दी? नहीं मालकिन वो मैं हाय दैया, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। एक साथ दो दो। क्या रे, इसका मतलब कि तू अपनी मरवा मरवा के ये आईफोन खरीदा है? तभी तो मैं समझू कि तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो तूने आईफोन खरीद लिया। हाँ तो क्या करूँ मालकिन, बिना मरवाए मैं आईफोन कैसे खरीद पा। पिएगा ना रामू तू भी? जा ग्लास ले अपने लिए। मालकिन। हाँ रामू। छह बज गया, अब मैं घर जाऊं? ठीक है जाओ। मालकिन थोड़ा फोन दे दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर लूं। तेरी भी गर्लफ्रेंड है क्या रामू? एक मोहल्ले की लड़की को पटा लिया था, दो रुपए का पाली जी खिलाया था, तब पटी थी। ठीक बात कर लो।
हेलो। हाँ बेबी, हम बोल रहे हैं रामू। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि खत्म हो गई दारू, खत्म हो गया चकना, हम तुम्हारी लेने आ रहे हैं, तुम सलवार खोल के रखना, ठीक है? बाय। आराम कर, मेरे दोस्तों से गंदी गंदी बातें मत किया कर किसी को।